देखिए गाइस, हम यहाँ से जा रहे थे और यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर एक गाड़ी गिर गई है। हेलो, हमारे चैनल में आपका स्वागत है अलका कुमावनी में। और आज हम घूमने जा रहे हैं श्यामला ताल और विवेकानंद आश्रम। तो आप आगे देखिए, बने रहिए हमारे साथ। देखिए, हम पहाड़ों के इलाकों में आ चुके हैं और हम जहाँ पर खड़े हैं, हम आपको वहाँ से टनकपुर का पूरा नज़ारा दिखाते हैं जहाँ से हम आए हैं। बनू तेरा खैरी कसम है खाई, मांगू कभी ना फिर तुझसे रिहाई। तो फाइनली गाइस, हम क्या कहते हैं, श्यामला ताल पहुंच गए हैं और हम आपको दिखाते हैं नज़ारा। एक बार मैं इसके अंदर जाना चाहती हूँ, ये देखिए। पर नीचे गिर उड़ तो ना जाऊँ, देखो ये कितना सुंदर, लेकिन इतनी सफाई नहीं दिख रही है मुझे। चलो गाइस, अब हम चलते हैं श्यामला ताल की ओर। और पानी तो इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये मुझे वैसे बहुत पसंद आया, जहाँ पर मैं चल रही हूँ। ऊपर देखिए, पूरा लकड़ी का बना हुआ है ऊपर, और नीचे की जो ज़मीन बनी हुई है, ओहो देखिए। वैसे बहुत, वैसे टूरिस्ट प्लेस तो बहुत बढ़िया है, पर लेकिन कुछ थोड़ा सा और परिवर्तन कर, मुझे लग रहा है यहाँ पर बरसात हुई है। और हम आ रहे हैं यहाँ से, वहाँ पे भी बरसात हुई थी, देखिए। हाँ, पानी भी कम है क्योंकि कहते हैं गर्मियों में सूख जाता है पानी, अब बारिश होगी फिर से ये भर जाएगा, तब उसके बाद और अच्छा व्यू है। लेकिन यहाँ का कुछ भी कहो, यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है आपको? मुझे गर्मी में आकर भी ठंडा लग रहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ का व्यू, गर्मी में आए लेकिन यहाँ का मौसम, वाह भाई मज़ा आ गया यहाँ का। यहाँ आने के बाद खास यहीं पर एक हमारा घर होता, ना हमें गर्मी लगती, ना ही इतना बरसात का गर्मी का एहसास नहीं होता। वाह, कुछ भी कहो, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। थोड़ा सा और जाएंगे ऊपर देखने, ऊपर क्या है उधर टॉप में, दिखाते हैं आपको। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और हम आपको वहाँ पर जाके दिखाते हैं और क्या क्या है यहाँ पर देखने के लिए। नीचे चले फिर, चलिए। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आ रही है और मौसम भी ख़राब हो रखा है। और देखिए, ज़रा घुमा के दिखा दीजिए हमारे कैमरामैन यहाँ पर। आप भी आना यहाँ पर, बहुत ही सुंदर इलाका है, जो कि आप प्री वेडिंग यहाँ पर वैसे मना सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग है, अगर आप कपड़े चेंज वेंज करना चाहें तो यहाँ पर बिल्डिंगें भी हैं, यहाँ पर वैसे कोई नहीं रहता। और आप टूरिस्ट प्लेस के लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर, बिल्कुल शानदार नज़ारा। और हमने दो चार रील बना लिए। गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पर कुछ मुझे अलग ही लग रहा है। और हमारा गांव जो है वो जंगल के पास में है, तो वहाँ पर गेंदे के जो फूल होते हैं कुछ ऐसे ही टाइप के होते हैं। और मैं ये श्यामला ताल में देख रही हूँ, देखिए वाओ, लग तो गेंदे के फूल की तरह रहे हैं लेकिन नहीं है, कुछ अलग ही है। और समझ लो यहाँ पर पूरा लग जाता होगा तो कितना सुंदर लगता होगा, ये देखिए जरा। वाह, मुझे तो बहुत पसंद आई ये फूल, क्या आपको पसंद आए? ये बहुत अच्छे हैं, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की वादियाँ, यहाँ के फूल, आप सभी देख सकते हैं। मुझे दूर से गेंदे के फूल की तरह लग रहे थे ये। चलो मैं इन्हें खराब नहीं करूंगी, बिल्कुल ऐसे।
एक बार इकट्ठे करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ऐसा ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि एक गुलदस्ता जैसा होता है वैसा? देखिए उनकी तरह लग रहे हैं ये, अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो इनको, ये देखिए। वाह, चलो फिर हम देखिए, अब हम पहले हमने आपको वो वाली बिल्डिंग दिखाई थी और अब हम जा रहे हैं इस वाली बिल्डिंग में, तो आप भी हमारे साथ साथ चलिए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चाइनीज टाइप के घर नहीं होते थे क्या? होते हैं चाइना में। हाँ हाँ, तो वही तो बता रही हूँ, होते हैं वैसा दिख रही है। मुझे लगता है यहाँ पर कोई लोग पहले रहते थे लेकिन अब कोई नहीं है इस समय। और दिखाते हैं आपको जहाँ से आए थे, ये बालकनी है। जा रहे हैं झूले पर जो कि ऊपर की तरफ है, देखिए। दो ही झूले हैं क्या? ऐसे कितने वजन वजन लोग बैठते हैं कि वो यही तोड़ दिया होगा, टूटे नहीं थे। वही तो कह रही हूँ, कितने वजन वजन लोग बैठते हैं तो तोड़ दिया है। और पता नहीं मेरी बारी आएगी कि नहीं आएगी, बच्चे लोग झूल रहे हैं झूल। और गाइस हम आपको और चीज़ दिखाना चाहते हैं यहाँ पर। मैंने पर धोती पहन रखी है वरना ये भी करती। प्लीज आप बनू तेरा खैरी कसम खाई, मांगू कभी ना फिर तुझसे रिहाई, बेड़ियां लगा दूं तुझे इश्क की, फिर चाहे जो भी दे तेरी गवाही, तेरी आंखों का इशारा समझे है दिल हमारा, कभी काबू में आके जरा मिल तेरे पीछे ये बेचारा फिरता है मारा मारा, तेरी ये देखिए। आपका नाम क्या है? विशाल। विशाल, हाँ विशाल जी, आ रहे देखिए। ओहो, मैं तो पकड़ पकड़ के आई थी। चलो फिर ठीक है, अब हम चलते हैं, बाय। अब हम जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम में और फिर हम आपको वहाँ पे दिखाएंगे। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है पश्चिम साइड से और हमें वहीं पे जाना है। गाइस हम पहुँच गए हैं स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम में और हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय है यह। और फूल देखिए यहाँ के कितने सुंदर सुंदर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ नई नई जगह देखने को मुझे मिल रही है जो कि हमारे पति देव जी हमारा बहुत साथ दिया है। मंदिर चलें क्या? ये देखिए ना मंदिर जाने का रास्ता, चलें क्या? मैं जाना चाहूँगी क्योंकि आपने भी इतिहास में पढ़ा ही होगा विवेकानंद जी के बारे में। देखिए ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं क्योंकि फ्राइडे का दिन था, तो फ्राइडे के दिन 11 से 12 बजे तक खुलता है। हाँ, 12:30-12:30 तक, उसके बाद 4 बजे और उसके बाद 4 बजे खुलेगा, 4 से 8:30 तक फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के दिन। और बाकी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लेना किस किस दिन और कब कब खुलेगा। अगर आप यहाँ पर आने चाहेंगे तो, अब हमें घर भी पहुँचना है तो इसीलिए हम यहीं से स्वामी विवेकानंद जी को हमारी तरफ से प्रणाम है और हमें घर पहुँचना है तो हम
निकल रहे हैं। चलिए फिर, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कितनी नीचे गई है, दिख रही है तुम्हें? मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ से। देखिए गाइस, हम यहाँ से जा रहे थे और यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर एक गाड़ी गिर गई है। कृपया आप जब पहाड़ों पर आएँ तो सावधानी से गाड़ी चलाएं। और निकाल रहे हैं अब, जो कि हमने आपको वहाँ का नज़ारा दिखा दिया था, बहुत नीचे चली गई है।